बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का नया संकल्प इन दिनों चर्चा में है। पुनिया ने राजस्थान के राजनीति से जुड़े अपने संकल्प का खुलासा उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जमावड़े को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से हटाने और प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ आने तक उन्होंने माला और साफा नहीं पहनने के साथ ही शाम का भोजन नहीं करने का संकल्प लिया है। पुनिया के संकल्प के बाद से चर्चा बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही सोशल मीडिया पर भी है, लेकिन क्या राजस्थान की राजनीति में इस तरह का संकल्प पहली बार हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा। राजनीति में संकल्पों की विशेष अहमियत होती है और इसलिए राजनेता संकल्प लेते भी हैं तो उसे निभाते हुए अपने संकल्प को प्रचारित भी करते हैं। इतना ही नहीं, राजनेताओं के फॉलोअर भी अपने लीडर के संकल्प की अहमियत समझते हुए उसे साबित करने में जुट जाते हैं। संकल्पों की इस कड़ी में इन दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के संकल्प की चर्चा है। पूनिया ने उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में अलग अलग जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान एक सभा में पूनिया ने कहा कि उन्होंने राजस्थान में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी को लेकर एक संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आ जाती तब तक वे ना तो माला पहनेंगे और ना ही साफा बंधवाएंगे। इससे एक कदम आगे बढ़कर पूनिया ने कहा कि उनके संकल्प में सत्ता में वापसी तक शाम का भोजन नहीं करने का नियम भी शामिल है। पार्टी को हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। सतीश पूनिया से पहले इस तरह का संकल्प पीसीसी चीफ रहते सचिन पायलट ने भी लिया था। पायलट ने भी कांग्रेस के सत्ता में नहीं आने तक माला और साफा नहीं पहनने का संकल्प लिया था। बहरहाल पूनिया के संकल्प की चर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने शपथ ली है कि जब तक भाजपा की सरकार नहीं बन जाएगी 2023 में या उसके बाद, कौन जाने 2023 में बनेगी नहीं बनेगी, तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे, माला नहीं पहनेंगे और शाम का भोजन नहीं करेंगे। अब ये शपथ तो साफा और माला की पहले सचिन पायलट जी ले चुके हैं, उसकी एक फॉलोइंग की आप कह सकते हो। सतीश पूनिया और सचिन पायलट से पहले राजस्थान की राजनीति में इस तरह के संकल्प की पहल मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और साल 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीपी जोशी ने ली थी। साल 2008 के चुनाव से काफी पहले सीपी जोशी चुनावी सभाओं और पार्टी के कार्यक्रमों में माला नहीं पहना करते थे। सीपी जोशी और सचिन पायलट दोनों ही अपने संकल्प को सार्थक कर पाए, लेकिन अब चुनौती सतीश पूनिया के सामने है। राजनीति को किसी साधक के रूप में पूजने वाले नेताओं के ये संकल्प दिखाते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा देवरा किसी धर्म का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का होता है और उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।